व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं और उनकी समस्याओं को पुलिस प्रशासन ने सोमवार को गंभीरता से लिया। इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्रा आदि अनेक पुलिस प्रशासनिक विभागीय अधिकारियों के अलावा विधायक पूरन प्रकाश और शहर के तमाम व्यापारी नेताओं ने भाग लिया। बैठक की जानकारी के लिए नियो न्यूज ने जिलाधिकारी से बात की। इसके साथ ही उनके द्वारा पूछे गए कुछ अन्य समसामयिक सवालों के जवाब भी दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी हमारे साथ हैं। सर, आज एक बैठक हुई है खास, काफी यहाँ पर तादाद दिखाई दी है व्यापारियों की, क्या क्या बातें खास रही? एक्चुअली ये बैठक एक ऑफिशियली नहीं, ये इनफॉर्मल बैठक हमने बुलाई थी, ऑफिशियल प्लस इनफॉर्मल, की दो एजेंडे पे बैठक थे। एक तो सफाई का था, दूसरा ट्रैफिक की, सुरक्षा और ट्रैफिक की। इसमें व्यापारियों से जो ट्रैफिक के संबंध में क्या सुझाव है, इसी के तहत सारे जो पांच उनकी अलग अलग मंडल है प्रतिनिधि और जनपद के, वो आए थे, अपना सुझाव दिया और कैसे हम सिटी का ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं, इसी के संबंध बैठक था। बैठक में बहुत सब लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं जो तुरंत इम्प्लीमेंटेबल होने वाले, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमको इम्प्लीमेंट करना है उसको भी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छा एक प्रोडक्टिव बैठक था। उसके बाद हम अपने अधिकारियों से हम इम्प्लीमेंटेबल पार्ट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक विजन प्लान क्या रहेगा, तुरंत हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका हम तैयार करके फिर एक और बार व्यापार मंडल के प्रतिनिधि है जो सारे व्यापार मंडल से बात करेंगे और उसको लागू करेंगे। साहब, दो शब्द हम आपके बारे में अप्रिसिएशन के रूप में कहना चाह रहे हैं। आप देर रात तक मेहनत कर रहे हैं, गोवर्धन और वृंदावन के रात भर दौरे करते हैं, फिर सुबह 5 बजे घटना की सूचना मिलती है कि भरतपुर रोड पर बड़ा हादसा हो गया, फिर भी आप पहुँचते हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो क्षेत्रीय लोग होते हैं या जो प्रभावित लोग होते हैं, उनकी आकांक्षा, उनकी अभिलाषा ये होती है कि तुरंत जादू की छड़ी की तरह से वहां पर पुलिस पहुंच जाए, प्रशासन पहुंच जाए, जिलाधिकारी पहुंच जाए। और जबकि संडे का दिन होता है, हालांकि आपकी जो पोस्ट है वो ऐसी है कि जिसके लिए छुट्टी आदि का कोई महत्व नहीं होता है, आप पहुँचे फिर भी, लेकिन जो उसके बाद घटना के बाद जो एक बड़ी कमी प्रकाश में आई है, क्या वो इस घटना के कुछ दिन बाद भुला दी जाएगी या उसमें कुछ कार्रवाई होगी? आपने जो कहा कि जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, एंड ये घटना घटी 4:30-5 के बीच में, और जो घटना के मौखिक निरीक्षण किया गया तब कप्तान द्वारा और हमारे द्वारा, ये गाड़ी जो पुलिया है, पुलिया के बगल में साइड वॉल्स होते हैं, उसको तोड़ के अंदर गई है, तो पुलिया भी नष्ट हो गई है। तो इससे प्रतीत होता है कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी, वो अनकंट्रोल्ड होके गिरी। उसके बाद पानी इतना गहरा था कि गाड़ी दिख नहीं रही थी, देन उसके बाद पानी को रेगुलेटर से कम करना पड़ा, तब गाड़ी दिखी, उसके बाद उसको गाड़ी निकाला गया। उसमें गांव वालों की 3-4 डिमांड थी। बेसिकली एक डिमांड था कि वो पुलिया को चौड़ीकरण किया जाए, दूसरा स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, तीसरा साइनेजेस लगाया जाए। इसमें आपने देखा होगा आज के समय में भी तो तुरंत लागू हम कर सकते हैं। स्पीड ब्रेकर 12:30 लगभग बनना शुरू हो गया था और बन भी गया होगा, आप उसका बता सकते हैं कि जी स्टेटस जी। दूसरा जो साइड वॉल्स था, जो 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 उसको टूट के गाड़ी गिरी थी, वो भी बन गया है, जो मेरे पास फोटोज़ भी है, जो शाम तक बन रही थी जी जी। और तीसरा जो स्पीड ब्रेकर ऑलरेडी था उधर, ऐसा नहीं था स्पीड ब्रेकर था नहीं थी था, मगर ये क्या हो कि स्पीड ब्रेकर की हैवी व्हीकल्स होते हैं तो उनकी लोअर लोडिंग से वो थोड़ा बैठ गया था, मगर स्पीड ब्रेकर था। साइनेजेस की बात है, साइनेजेस हम नहीं थी तो साइनेजेस लगाया जाएगा ताकि दूर से ही पता चले कि उधर फूल है। और बेसिकली वो 4:30-5 के बीच में थी तो वो थोड़ा वो अनकंट्रोल हो गई। और इसमें जो तुरंत होने वाले चीज़ें वो कर दिया, दूसरा जो कर दी गई है, एंड दूसरा जो एक प्रपोजल चल रहा है कि स्टेट हाईवे से वो नेशनल हाईवे बन जाए, उसका प्रपोजल शायद पिछले टाइम से ही चल रहा है, उसको शासन को अवगत करा दी गई है। और जब ये नेशनल हाईवे बन जाएगा तो ये पुलिया चौड़ी हो जाएगी और जो उस एरिया का समस्या है वो निस्तारण हो जाएगी। प्रशासन ये कह रहा था कि मृतकों के लिए कुछ मुआवजे आदि की व्यवस्था यदि हो सकेगी तो इस संबंध में बात हो गई है, इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बात हो गई है, क्योंकि ये बरेली के रहने वाले हैं और इसकी जो जिलाधिकारी बरेली को भी अवगत कराई गई है कि उनकी जो मृतक की प्रयोजन के लिए उनकी मुआवजा के लिए रिपोर्ट जाएगी। और दूसरा उनकी जो एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस कॉस्ट भी सरकार ने
हम अपनी जो हमारे एसोसिएशन है ऑफिसर्स एसोसिएशन है जिसमें वो एक फंड एनजीओ बनाई है उस फंड से उस एम्बुलेंस को हर एम्बुलेंस को 6,000 की एम्बुलेंस एसी एम्बुलेंस और 4 एम्बुलेंस गई थी उसको मुफ्त उनको ऑफिसर्स के फंड से उनको दिया गया है जी जी ताकि उनको कोई उनकी दुखद घटना में कुछ प्रशासन की तरफ से भी और ऑफिसर्स तरफ भी मदद हो और खास कुछ एक्टिविटीज जो आपने अभी भ्रमण किया है वृंदावन का गोवर्धन गोवर्धन में अभी मुड़िया पूर्णिमा आने वाली है और प्रमुख सचिव टूरिज्म सूचना माननीय अविनाश अवस्थी भी आए थे शैलजा कांत भी सर आए थे तो गोवर्धन परिक्रमा के संबंध में ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया साफ सफाई हो गई इस संबंध में अच्छी प्रोजेक्ट आने वाली है और गोवर्धन में जो भी समस्या है लगभग सारे समस्या खत्म हो जाएगी इस प्रोजेक्ट से एंड एक आदर्श टूरिज्म स्थल गोवर्धन बनने वाला है ये एक बहुत बड़ी देन होगी गोवर्धन के लिए एक आइडियल स्थल बनेगा पूरा प्रदेश में और देश में एंड और दूसरा कि हमारी मुड़िया पूर्णिमा मेले के संबंध में साफ़ सफाई और जो हमारी जो कच्ची परिक्रमा है लाइट की और काम चल रही है एंड आगे दिनों में आप भी देखेंगे वृंदावन में लेकर अभी मल्टी लेवल पार्किंग बन गई थी शुरू नहीं हुआ था पिछले हफ्ते शुरू की गई आप जानते ही हैं और जो वृंदावन में ट्रैफिक की समस्या है ट्रैफिक समस्या भी काम कर रहे हैं क्योंकि जो हर कोई टूरिस्ट आता है हर कोई टूरिस्ट का यही समस्या आती है कि ट्रैफिक को इम्प्रूवमेंट किया जाए अवैध अतिक्रमण हटाया जाए ताकि ट्रैफिक फ्री मूवमेंट रहे और पब्लिक को जो अच्छी एहसास हो इसी की तरफ सरकार का भी मंशा है कि जो भी टूरिस्ट आएगा उनको अच्छी सहूलियत दी जाए और उनको अच्छी फीलिंग हो कि हम आपको एक खास मीटिंग में जाना है ज़्यादा आपको नहीं कर रहे हैं लेकिन चलते चलते इतना ज़रूर कि मथुरा को शायद कुछ भुला दिया है आपने क्योंकि व्यस्तता गोवर्धन और वृंदावन की चल रही है आप पहले काफी आपने भ्रमण किए थे हालांकि अब मीटिंग्स आप ले रहे हैं नगर निगम के भी प्रशासक हैं और उनसे लगातार कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था आपकी संतोषजनक अभी नहीं है नाले अभी साफ नहीं हुए हैं लेकिन मथुरा जो है 3 लोक से न्यारी है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है इसका स्वरूप वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए नहीं देखिए कोई भी सिस्टम हो तो ये कोई भी चीज़ हो तो तुरंत बदलता नहीं है तो जब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो साफ़ सफाई की अब 1 महीने पहले क्या थी 1 महीने क्या नहीं है आप खुद पब्लिक से सर्वे कर लीजिए व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी उन्होंने भी अपना संतुष्टि जताई है व्यापार मंडल द्वारा यहाँ साफ़ सफाई हो रही है पब्लिक भी जानती है और कुछ जगह ऐसे हो सकते हैं कि हमारे नज़र में ना हो हमारे अधिकारी की नज़र में ना हो वो भी पत्रकार हर जो पेपर्स और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है उस पर भी हम अमल की जाती है इसके तहत हर एरिया का मैपिंग करा दी गई है और हर एरिया के लिए एक ऑफिसर लगा दी गई है और मैं समझता हूँ कि सफाई में इम्प्रूवमेंट है और इम्प्रूवमेंट हमको करना है और करेंगे और ये पब्लिक से भी आशा है कि अपेक्षा है कि जो अपनी कूड़ा है अपने घर के सामने जो कूड़ा है या दुकान के सामने कूड़ा है ये अपने एक बड़ा डस्टबिन रखें उसमें डस्टबिन में डालें या उनकी 500 मीटर या जो भी डस्टबिन है उसमें डालें और सबसे अपील है कि कूड़े को रोड में ना डाला जाए क्योंकि अभी जब मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जहाँ एक और अन्य पवित्र दिनों में प्याऊ भी लगाई जाती है पानी की व्यवस्था होती है अच्छी बात है होना चाहिए क्योंकि गर्मी का दिन है पब्लिक को पीने के पानी की ज़रूरत है एक अनुरोध है उनको कि उनको एक अगर बड़ा सा डस्टबिन रख देंगे तो जो ग्लासेस प्लास्टिक ग्लासेस यूज़ किया जा रहा है वो नाले में नहीं जाएगा उसको हम अगर ड्रम में उसको या बड़ी डस्टबिन में डालेंगे तो हम उसको सेफली डिस्पोज कर सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी जो पूरे मनोयोग के साथ अपना कार्य कर रहे हैं पूरे उत्साह के साथ अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और आज आपके द्वारा व्यापारियों के साथ बैठक की गई और विभिन्न समसामयिक सवाल हमारे द्वारा आपसे किए गए आपने बैठक के साथ उन सवालों के जवाब भी दिए बैठक की जानकारी दी और जो जानकारी आपने दी जो जवाब आपने दिए वो आपने सुने न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ योगेश खत्री